अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7, इन विच वी आर डूइंग रिटन वर्क, यानी कि हम लेखन कार्य करेंगे हिंदी स्वाध्याय पोथी में। तो सब अपनी अपनी बुक निकालेंगे और काम शुरू करेंगे। पेज नंबर 39, ठीक है? चलिए साथ में लिखते भी जाना। समानार्थी शब्द अंदर लिखे हुए हैं, समानार्थी यानी के सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है? जैसा कि पहला है धरती, धरती का समानार्थी वर्ड क्या होगा? भूमि, पृथ्वी। पर्वत, पर्वत का समानार्थी पहाड़। समानार्थी यानी के सेम अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले वर्ड, जिसकी जगह पे ये वर्ड भी यूज करे तो चले ऐसे वर्ड। वेरी गुड, लिखिए। नदी का आएगा सरिता, माटी का आएगा मिट्टी, अंबर का आएगा आकाश, अग्नि का समानार्थी आग और पवन का समानार्थी होगा हवा। पवन यानी हवा। अब आगे हमें प्रश्न 9 पर चलना है। प्रश्न 8 हो गया आपका, अब हम प्रश्न 9 पर चलेंगे। चलिए आपको दिख रहा है। अब प्रश्न 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी कि ये जो शब्द है इसके मीनिंग क्या होता है। हृष्ट पृष्ट, हृष्ट पृष्ट मतलब कोई तबीयत से होता है ना, तगड़ा, हट्टा कट्टा, ठीक है? तो हृष्ट पृष्ट के सामने हम लिखेंगे तगड़ा। कैसे लिखेंगे देखो, दिख रहा होगा आपको, तगड़ा कॉमा हट्टा कट्टा, हट्टा ट दो बार लिखेंगे, कट्टा हट्टा कट्टा, ठीक है? यानी कि हेल्दी जो होते हैं तबीयत से। चलिए आगे है दूसरे नंबर पर संवाद। संवाद का क्या मतलब होता है? बातचीत। तो हम लिखेंगे बातचीत, ठीक है? सेम मीनिंग, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है वो हमें बताना है। संवाद मतलब बातचीत, ये तो लिखेंगे, ठीक है? तो अब है शीघ्र। शीघ्र मतलब जल्दी, जल्दी यानी के उतावल से, ठीक है? जल्दी। आगे हम देखेंगे जौहर। जौहर मतलब पराक्रम। क्या लिखेंगे? पराक्रम। चलिए तो जौहर का एक और मीनिंग है, आपको पता होगा, आपने पद्मावत मूवी देखी है जिसके अंदर लास्ट में जो दीपिका पादुकोण होती है वो जौहर करती है, यानी कि युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल भरना, यानी कि शत्रु की विजय हो जाती थी, राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल भरना, अग्नि कुंड के अंदर जो पानी भर देते थे वो लोग, ठीक है? यानी कि उनको पता होता था कि अब सामने जो दुश्मन है वो अब जीतने वाला है, तो वो क्या करते थे, अग्नि कुंड में पानी भर लेते थे, ठीक है? जौहर इसको कहते हैं। नाउ अजनबी। अजनबी किसे कहते हैं? जो जाना पहचाना नहीं होता, यानी कि अपरिचित। तो लिखेंगे हम अपरिचित, ठीक है? आगे है वेदांत। वेदांत किसे कहेंगे? ब्रह्म विद्या को। तो लिखेंगे हम, चलो आपकी वीडियो ऑन रखो सो आई कैन सी एवरीबॉडी। आपकी वीडियो ऑन रखना है, नहीं तो मैं जूम से रिमूव कर सकती हूँ आपको, ठीक है? वीडियो ऑन रखो। न मुकद्दर। मुकद्दर मतलब भाग्य, नसीब जिसको कहते हैं, ठीक है? मुकद्दर यानी के नसीब, भाग्य। चलिए शागिर्द। शागिर्द किसको कहते हैं? शागिर्द मतलब शिष्य, किसी का स्टूडेंट होना, ठीक है? आपको वीडियो ऑन रखना है वरना जूम से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे एक्टिविटी दिखनी चाहिए आपकी। जैसे हम क्लास में टीचर चेक करते हैं ना, तुमने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है? आपकी प्लेस पर आकर चेक करते, इस तरह यहाँ पे बैक कैमरा से आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ वृत्ति। वृत्ति मतलब मनोदशा, मन की
मन की क्या दशा होती है, वृत्ति, ठीक है। दूसरा भी एक बड़ा सा मीनिंग है इसका, नीचे ही लिख देंगे, मन का झुकाव। क्या लिखेंगे? मन का झुकाव। चलिए आगे है स्पष्ट। स्पष्ट के लिए लिखेंगे साफ साफ। कभी कहते हैं ना कि भाई स्पष्ट तरीके से बोलो, स्पष्ट तरीके से लिखो, तो स्पष्ट यानी कि साफ साफ। चलिए रुष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा हट्टा कट्टा, संवाद मतलब बातचीत, शीघ्र मतलब जल्दी, जौहर यानी पराक्रम, अजनबी यानी अपरिचित, वेदांत यानी ब्रह्म विद्या, मुकद्दर यानी भाग्य, शागिर्द मतलब शिष्य, वृत्ति मतलब मनोदशा, और स्पष्ट मतलब साफ साफ। अब यहाँ पे हमें दिया है कि उचित जोड़ मिलाइए, हमें जोड़ मिलाना है, तो क्या करेंगे इसके अंदर? मनुष्य की आत्मा में हमने जो कविता पढ़ी है ना, पांच धरती की शान, उसकी लाइन से ये, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक से ढूंढ कर भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कविता याद होनी चाहिए, तो एक एक करके हम लिखेंगे। लाइन दी गई है उसके अंदर हमें लिखना है पूरी लाइन, यहाँ से यहाँ का सेंटेंस जोड़ के पूरी लाइन हमको नंबर में जो दिया है उसके अंदर लिखना है। तो पहला है मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, तो तीन के साथ एक नंबर आएगा, ठीक है। तीन एक के साथ तीन नंबर, यानी तीन के सामने फर्स्ट। तो यहाँ पे हम फिर पूरा सेंटेंस साथ में लिखेंगे। लिखिए, चलिए, मनुष्य की आत्मा में, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। चलिए इस तरह से ये एक सेंटेंस हुआ, एक वाक्य पूरा हुआ, ठीक है। अब आगे है के मनुष्य के नयनों में, यानी के मनुष्य की आंखों में क्या है? ज्वाल है, तो पांचवा नंबर, ठीक है। लिखेंगे हम मनुष्य की, सॉरी, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। ज्वाल मतलब आग, ठीक है। मनुष्य के लिखना है, की मत लिखना, ये इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, तो ये दो सेंटेंस हो गए हमारे मैचिंग के अंदर। अब मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या है? पहले हम इसके आंसर लिख देते हैं। मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या है? तो लिख देंगे तांडव का ताल है, यानी के छह, तीन के साथ छह नंबर। मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की वाणी में क्या है? युग का आह्वान है, तो यहाँ पे चार नंबर लिखेंगे। और मनुष्य की छाती में क्या है? महाकाल है। क्या है? महाकाल। तो ये भूचाल किसी में नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इस तरह से ये दोनों सेंटेंस के साथ इसको जोड़कर हम सेंटेंस को पूरे करेंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस बनाया, दूसरा बनाया, इस तरह से पांचों को हम क्या करेंगे? यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। आया समझ में? ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे हमको समझाया है, धरती, धरती का विरोधी शब्द यानी के अपोजिट वर्ड आकाश। धरती मतलब जमीन, तो आकाश मतलब आसमान। अब हमको क्या करना है? जो विरोधी शब्द है ना, उसको लेकर वाक्य बनाना है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बराबर। अब अमृत, अमृत का विरोधी शब्द क्या होगा?